अंतिम शाही स्नान पर महामारी का असर दिखाई दिया। इसके बाद हर की पेड़ी समेत विभिन्न घाटों पर चैत्र पूर्णिमा का स्नान करने बेहद ही कम श्रद्धालु पहुंचे। शाही स्नान ब्रह्मा मुहूर्त में शुरू हो गया था। इस स्नान पर आम श्रद्धालुओं को हर की पेड़ी पर स्नान करने के लिए सुबह 9:30 बजे का वक्त दिया गया था। हालांकि घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन संख्या बेहद ही कम रही। इसके बाद 9:30 के बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया। इस दौरान लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। चैत्र पूर्णिमा का ये पावन पर्व अपने आप में सनातन परंपरावादियों के लिए विशेष महत्व रखता है। वैसे तो प्रति माह पड़ने वाली पूर्णिमा भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पवित्र तिथि होती है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा विशेष तौर पर हमारे हिंदू जो मास होते हैं उनमें प्रथम मास चैत्र मास होता है, उसकी प्रथम पूर्णिमा होती है। इसलिए सभी सनातन परंपरावादी लोग इस दिन बहुत ही उत्साह के साथ एक उत्सव की तरह मनाते हैं। पहले सुबह पवित्र नदियों में, विशेष तौर पर गंगा नदी में स्नान करते हैं और वहाँ पर ही स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्योंकि कुंभ का शाही स्नान है, कुंभ का ये पावन पर्व है और कुंभ का ये पावन पर्व चूँकि हनुमान जयंती आज के दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती है और कुंभ का शाही स्नान है, इसलिए विशेष तौर पर हिंदू धर्मावलंबी लोग गंगा में स्नान करके। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।